चलो नीचे का बैठो। रेखिया बेग और क्या लगा दूसर का? कोणिया बेग। कोणिया बेग रेखिया बेग का हमें कौन सी नोट आएंगे बा बी से आ कोणिया बेग के ओमेगा से ठीक। ये बोले बताओ कि दूर कौन सी पावल जाई? हाँ दूर कौन सी पावल जाई? रेखिया बेग का कोणिया बेग वृत्त गति में कितने प्रकार की बेग होती है? कौन कौन बा वृत्त गति में रेखीय बेग पावल जाए? कोणीय बेग। ठीक तो रेखीय बेग का सूत्र v बराबर x / t आ कोणीय बेग के ओमेगा बराबर थीटा बटा t। और ये पढ़ो जब कोणीय बेग और रेखीय बेग में संबंध रेखीय बेग और कोणीय बेग और कोणीय बेग में संबंध संबंध कोणीय बेग मतलब कि ओमेगा संबंध। ठीक अब देखा होगा v बराबर r ओमेगा ना r ओमेगा। अब फिर हमें पढ़े के हुआ जैसे कि जिस प्रकार दो प्रेरण वेग होता है दो प्रेरण कौन चाहिए हुआ त्वरण वृत्त गति में त्वरण पहुंच गया त्वरण का हमें क्या ए से जो कर कौन सी से ए से और पूरी त्वरण के अल्फा से कौन से अल्फा से। और पूछिए कि एक का बताओ ये तो सिंपल में पढ़ लिया ए बराबर बी बटा टी ए बराबर बी बटा टी कोणीय त्वरण कैसे पहुंच जाएगा तो अल्फा अल्फा मतलब क्या कोणीय त्वरण टी बताओ कि त्वरण का सूत्र का होला वेग बटा समय मतलब कि वेग परिवर्तन अपन समय आता है तो ना अब वेग ये सिंपल बात लीनियर वेग ले मतलब वेग लेंगे भी ऐसे सिंपल टाइम टाइम तो दोनों में सेम रहेगा पर टी हो गया तो भी बटा टी लिख सके या ठीक। लेकिन है क्या में कोणीय त्वरण में क्या लिखा गया तो कोणीय त्वरण में लिखाई हुआ हमने के कि कोणीय त्वरण बराबर का भी बा कोणीय वेग बटा में समय कोणीय वेग के बाद कौन सी से नोट करेंगे आप ओमेगा से तो ओमेगा अपान टी अल्फा बराबर का हो जाएगा ओमेगा अपान टी। ठीक हुआ कब देखो ये तो सिंपल चल तो लिख सकेंगे लेकिन जब एक क्या कर फिर हुआ कि अवकलन के फॉर्म में ठीक सूक्ष्म परिवर्तन हुई वृत्त हुआ हमारा के सूक्ष्म परिवर्तन होकर छोटा छोटा भाग फिर पहले कौन सी लेवल परी अवकलन अवकलन के रूप में चल तो ए बराबर क्या हो जाए ए बराबर डी वी अपान डी टी ठीक ना। और मान ला कि डी वी अपान डी टी हो गई तो अगर हमने के ए के रूप में लिखे तो क्या लिख लग जाए ओमेगा बराबर डी डी थीटा बटा डी टी ना लिख सकें करके कोणीय वेग में ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी थीटा का हो गया हो कोणीय विस्थापन ठीक है समय में क्या हो जाए हम लिख सकें वी बराबर डी एक्स अपान डी टी साइड लिख दिया। ठीक अब हेडिंग बनाओ होगा कोणीय त्वरण